नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे वेबसोल एनर्जी सिस्टम के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। ओवरऑल रिजल्ट कैसे रहे इसके बारे में बात करेंगे, साथ साथ कंपनी के फंडामेंटल को भी देखेंगे और शेयर को एनालिसिस भी करेंगे। इसके अलावा कंपनी जो है प्रॉफिट से लॉस में आ गई है। सबसे पहले कंपनी की इनकम और एक्सपेंसेस को देख लेते हैं, जिसमें कंपनी की इनकम जो है पिछले साल के जून के क्वार्टर में जो है लगभग 45 करोड़ के आसपास थी, जो कि इस बार घट के रह गई है मात्र 4 करोड़ के आसपास। वहीं कंपनी के एक्सपेंसेस जो है पिछले साल के जून के क्वार्टर में लगभग 40 करोड़ के आसपास थे, जो कि इस बार घट के रह गए 12 करोड़ के आसपास। लेकिन कंपनी ने इस क्वार्टर में जो है रेवेन्यू नहीं किया, इस कारण से कंपनी जो है इस क्वार्टर में एक्सपेंसेस बढ़ने के कारण लॉस में आ गई है। इसके बाद कंपनी के नेट प्रॉफिट को देख लेते हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट तो क्या है, कंपनी का लॉस ही है ये, जो कि कंपनी ने जो है पिछले साल के जून के क्वार्टर में लगभग 3 करोड़ का प्रॉफिट किया था, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी ने जो है लॉस किया है लगभग 8 करोड़ का। इसके अलावा कंपनी ने जो है प्रॉफिट नहीं किया, इस कारण से कंपनी का ईपीएस भी माइनस में ही होगा, जो कि पिछले क्वार्टर में लगभग 1 के आसपास था, जो कि इस बार माइनस में है 2 के आसपास। कंपनी के ओवरऑल रिजल्ट की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू घटा है, इस कारण से कंपनी लॉस में आ गई और कंपनी का रिजल्ट काफी खराब रहा है। कंपनी का रिजल्ट खराब होने के कारण कंपनी का रिजल्ट आने के तुरंत बाद जो है शेयर लगभग 6% गिर चुका है और कंपनी का शेयर का प्राइस जो है लगभग 87 रुपए के आसपास है। बाकी ये कंपनी जो है एक स्मॉल कैप कंपनी में आती है, जहां हाई रिस्क और हाई रिटर्न होता है। ये वीडियो जो है एक न्यूज के पर्पज से बनाया गया है, किसी प्रकार से स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। बाकी अगर आपको वीडियो से वैल्यू मिली हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।